नमस्कार, नवभारत मुंबई से बातों बातों में मैं माधवी वाडकर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी लोग एक सपने के साथ जीते हैं कि हमारा सभी का एक घर हो, आलीशान घर, जहाँ पे प्ले एरिया हो, बच्चे खेले, जिम हो, ऐसे फैसिलिटीज़ हो। और यही सपना टर्निंग योर ड्रीम्स इंटू रियालिटी, इसी सोच के साथ AVA लाइफ स्पेसेस ने अभी तक प्रोजेक्ट बनाए हैं और आगे भी बना रहे हैं। और आज हमारे साथ है AVA लाइफ स्पेसेस के डायरेक्टर मिस्टर आलोक चौबे जी। सर, आपका नवभारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे AVA लाइफ स्पेस, इसकी शुरुआत कब हुई? सी, मैं कंस्ट्रक्शन में भी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन 2007, तो उस समय मैं नाला सुपारा वसई विरार जोन में काम करता था। और उस टाइम AVA लाइफ स्पेस नहीं थी, बल्कि वो AVA कारपोरेशन था, जो मैं और मेरे ब्रदर रन करते थे। एंड 2007 से 2012 तक मैंने नालासुपारा वसई विरार में काम किया। उसके बाद फिर हम मुंबई में वापस आए और मुंबई में हमने ये सारे प्रोजेक्ट से अपना काम स्टार्ट किया। और उस टाइम AVA लाइफ स्पेसेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कि हमारे एक जो प्रमोटर हैं, इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कि हमारे साथ बहुत समय से एसोसिएट थे, काम के माध्यम से भी और बिजनेस के भी माध्यम से। और हमारे ब्रदर हैं जो कि इज अ लॉयर, तो हम सारे लोग प्रोफेशनल हैं। और हमारी जो मुलाकात एक प्रोफेशन के हिसाब से भी हुई, और फिर धीरे धीरे हम लोग बिजनेस में भी एक दूसरे के साथ आए। एंड फाइनली वी डिसाइडेड कि मतलब वी शुड फॉर्म अ कंपनी दैट इज़ AVA लाइफ स्पेसेस, क्योंकि हमारे विचार एक दूसरे से मिलते थे, सो हमने ये कंपनी फॉर्म की। से क्या बताएंगे AVA लाइफ स्पेस में ऐसे कौन से फैसिलिटीज़ है जो आप गर्व से बता सकते हैं? बिकॉज कंपटीशन है, बहुत से प्रोजेक्ट है, बट AVA लाइफ स्पेस अदर प्रोजेक्ट से कितना अलग है? सी, AVA लाइफ स्पेसेस ने जब नालासुपारा वसई विरार जोन में भी काम किया, तो भी मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके हिसाब से हमने फ्लैट बनाए, जो कि लग्जरी फ्लैट तो नहीं थे, बट उनको कह सकते हैं कि मतलब सेमी लग्जरी। उस समय के जो प्रोजेक्ट्स बनते थे, उस हिसाब से वो सेमी लग्जरी फ्लैट्स होते थे और बड़े इकोनॉमिकल थे। मतलब हमने हमेशा ध्यान दिया है कि कम बजट में मतलब कि अच्छा फ्लैट देने की कोशिश की थी हमने, और वही चीज़ें हमने मतलब मुंबई में भी लाई। मुंबई में हमने SRA प्रोजेक्ट्स इसलिए चुने कि SRA में जो टेनेंट्स हैं, जो रहवासी हैं यहाँ के, वो मुंबई से बाहर ना जाएँ, जो कि इस प्रकल्प का मतलब कि एक उद्देश्य था मतलब SRA का, कि यहाँ के लोग यहीं रहें। तो हम उस कड़ी में अपने आप को जोड़ना चाहते थे, क्योंकि हमारा भी मतलब मानना ये था, क्योंकि मैं भी मुंबई में पला बड़ा था और मैं भी इसी तरह से किसी मतलब कि टेनेंट जैसा ही मतलब कि यहाँ पर मैं रहा था। मेरे फादर जो है वो BMC में टीचर थे, तो हम लोग भी बड़े मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो हमेशा मतलब कि मेरा उनके साथ एक जुड़ाव रहा था। और हम ये चाहते थे कि मतलब ये सारे लोग भी यहाँ पर रहें, तो हम SRA जो प्रोजेक्ट्स है उसको हमने 2011 में स्टार्ट किया, और उसमें हमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली। और हमने पहली कोशिश की मतलब अदर डेवलपर के बजाय, हमने मतलब कि जो है अपने ढंग से SRA को बनाने की कोशिश की, कि पहले हम जो टेनेंट बिल्डिंग होती है हम पहले उसको डिलीवर करते हैं, उसके बाद ही हम जो है सेल बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस तरह से हमने मतलब कि नियर अबाउट मुंबई में कम से कम 1.5 से 2 हज़ार लोगों को मतलब कि जो है टेनेंट लोगों को घर मैंने सौंपा है अभी तक। और अभी मेरे कम से कम 150 फ्लैट बनकर रेडी हैं, जो कि कमिंग वीक में उनको सौंपेंगे, और उसके बाद फिर हम जो सेल बिल्डिंग है उसका काम हम लोग करते हैं, जिसमें आप बैठी हैं ये भी मतलब एक सेल बिल्डिंग है, जिसका कि टेनेंट वाला जो प्रोजेक्ट था, जो SRA की बिल्डिंग्स थी, वो हमने 6-7 साल पहले ही बनाकर उनको दे दी थी। तो क्या कहेंगे अभी AVA लाइफ स्पेसेस के कौन से अभी प्रोजेक्ट है या आने वाले हैं जिनका लाभ आम लोगों ने उठाना चाहिए? यस, अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, जो रनिंग प्रोजेक्ट है गुरुद्वार का प्रोजेक्ट, जब मैंने यहाँ पर लॉन्च किया था, तो ये प्रोजेक्ट सेमी लग्जरी प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने इसकी मार्केटिंग की थी, और मैं उसमें बहुत अच्छा सक्सेस भी हुआ। लोगों को ये बहुत अच्छा पसंद आया, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्रियन कम्युनिटी रहती है और कुछ मिक्स लोग भी हैं, और इनको मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, मतलब कि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें ये फैमिलीज़ रह रही है, तो वो फ्लैट जो थे वो अब उनके परिवार के हिसाब से छोटे पड़ रहे थे, और उसके अंदर सुविधाएं नहीं थी जो पुरानी बिल्डिंगें थी। तो हमने क्या किया कि थोड़े से फ्लैट को मतलब कि जो है इकोनॉमिकल रखते हुए और लग्जरी को ध्यान में रखते हुए जो है कि यहाँ के लोग उसको अफोर्ड कर सके, इस हिसाब से मैंने इस बिल्डिंग का जो पूरी प्लानिंग की थी, इसमें मैंने 3-3 आर्किटेक्ट्स का प्लान किया था,
जिस विंग में हम लोग बैठे हुए हैं, इस विंग में सिर्फ एक फ्लोर पर दो ही फ्लैट है, जो मुझे लगता है कि मतलब इस पूरे दहीसर या बोरीवली एरिया में ऐसी कोई भी डेवलपर नहीं जिसने एक विंग के अंदर सिर्फ दो फ्लैट रखा है। ये मैं कोविड पीरियड को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक विंग में दो फ्लैट इसलिए रखा था कि अगर कोई बड़ी फैमिली है कि उसको अलग भी नहीं रहना है और साथ में भी नहीं रहना है, उनको प्राइवेसी भी चाहिए, काम के हिसाब से भी चाहिए। तो अगर कोई फैमिली दो ब्रदर हैं या जॉइंट फैमिली है तो अगर एक फ्लोर पे दो फ्लैट लेती है तो वो साथ में भी रहते हैं और वो पूरा अपार्टमेंट उनका हो जाता है। तो फ्लैट की जो प्राइसिंग है वो नियर अबाउट मतलब कि जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के हिसाब से है, बल्कि उससे थोड़ी कम मैंने रखी हुई है। प्लस इस प्रोजेक्ट में मैंने एक फ्लोर है जिसके ऊपर सारी एमिनिटीज़ दी है, जो फर्स्ट टाइम मतलब कि मैंने इस जिस इलाके में मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर पहला ही प्रोजेक्ट है जिसके अंदर कि आपको सारे क्लब की फैसिलिटी जो है आपको इन हाउस अपने बिल्डिंग में मिलेगी, इस बिल्डिंग के बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस ढंग से आप बोल सकते हैं कि अच्छा। दूसरी एक चीज़ कि मैंने एक फ्लैट है मेरा, एक विंग के कुछ फ्लैट्स हैं जो कि मैंने कोविड के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को कैसा है कि उनका बजट बहुत कम है लेकिन उनको ना दो रूम चाहिए होता है, एक उनके खुद पर्सनल के लिए और एक उनके बच्चों को पढ़ने के लिए या मदर फादर हैं उनके लिए चाहिए होता है। तो मैंने एक फ्लैट है जो कि उसकी एरिया मतलब कि नियर अबाउट 1 BHK जितनी ही है, बट मैंने उसको प्लानिंग करके उसको 2 BHK में कन्वर्ट किया हुआ है, जो मेरा सबसे फास्ट सेल हुआ था फ्लैट। तो मैंने यही चीज़ ध्यान में रखकर की थी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसका कि बजट मतलब कि उतना नहीं है 2 BHK जितना, पर उसको 2 BHK ज़रूरी है, तो वो ये फ्लैट खरीद सकता है। तो हमने मतलब इस प्रोजेक्ट में नियर अबाउट इकोनॉमी, लग्जरी और लोगों को ध्यान में रखकर ये प्रोजेक्ट किया, और आने वाले भी जो मेरे प्रोजेक्ट होंगे वो भी मैं इसी तरह से ही मतलब कि जो बनाऊंगा ताकि आम लोग मतलब कि जो है उसको अफोर्ड कर सकें और लग्जरी के साथ। सर, आज आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, सफलता मिली है, पर कोई भी सफलता आसानी से नहीं मिलती, बहुत संघर्ष का काल रहता है जो हमें पार करके हम इस मुकाम पे आते हैं। तो क्या कहेंगे एज ए कंपनी, एज एम्प्लॉई, या आपने कौन से ऐसे संघर्ष के काल देखे हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? सी, संघर्ष का काल तो मतलब जब मैं 1986 में मेरे फादर हम लोग को यहाँ पर मुंबई लाए और हमारा सारा एजुकेशन यहीं पर हुआ जो है, और फादर चूँकि BMC में टीचर थे तो परिस्थितियाँ मतलब कि ख़राब नहीं बोल सकते हैं बट बहुत अच्छी भी नहीं होती थी जो है, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार आप बोल सकते हैं कि हम लोग थे। और वहाँ से हम लोग ने अपने मतलब मैं और मेरे ब्रदर जो है दोनों लोग इज़ ए लॉयर और वो बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं वो, और मैं मेडिकल प्रोफेशन से था, हम लोग ने थोड़े दिन अपने प्रोफेशन को अच्छे ढंग से किया कि हमारे फादर का मानना था कि आप जिस चीज़ की स्टडी की हो आप उसको अपने काम में भी लेकर आओ। लेकिन 2006 2005 एंड 6 के दौरान हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन में थे और हमारे ब्रदर जो है वो लॉयर थे, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे लैंड्स के प्रपोजल आते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो हमने जो शुरुआत की थी वो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बट हमने एक ग्रुप बनाया हुआ था। सी, मतलब कि मैं और मेरे ब्रदर जो हमारे सारे दोस्त थे बचपन के, हमने उनके साथ ही एक ग्रुप फॉर्म किया और सारे लोगों को मिला के हमने एक अच्छा बजट तैयार किया। एंड मेरा पहला प्रोजेक्ट जो नाला सुपारा में मैंने किया था वो मेरे पूरे फ्रेंड्स ग्रुप के साथ किया था, हालांकि सारे फ्रेंड्स अपने अपने जॉब में होते थे बट मैंने उसको फ्रंट से लीड किया। एंड पूरा जो कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी थी वो मेरी थी, सारी सेलिंग्स हर चीज़ जो है एग्जीक्यूशन में करता था जो है। फिर जो फ्रेंड्स थे वो धीरे धीरे अपना अलग अलग जगह पे भी इन्वेस्ट किए, बट मैंने मतलब कि उस प्रोजेक्ट के बाद ये डिसाइड कर लिया कि मुझे बस इसी फील्ड में काम करना है, और तब से लेके आज तक मतलब नियर अबाउट मुझे लगता है कि 2007 मतलब 16-17 ईयर्स हो गए हैं मतलब इस फील्ड में। और संघर्ष का काल ये बोल सकते हैं कि जब कोविड पीरियड आया था, क्योंकि SRA प्रोजेक्ट कैसा होता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, नाला सुपारा वसी विरार में हम लोग प्लेन लैंड पर काम करते थे, उसकी पूरी CC होती थी, लॉन्च करना और मतलब प्रोजेक्ट को बनाना और ख़त्म हो जाना। बट SRA या मुंबई में काम करना मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोजेक्ट थोड़ा डिले होता है तो पब्लिक का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको कि हमने मतलब कि कोविड पीरियड में कम से कम 6-7 ईयर्स मतलब इसको हमारा सफरिंग पीरियड आप बोल सकते हो, लेकिन हम वहाँ से
कहीं गए नहीं, मतलब हम वहाँ पर खड़े रहे, हम टेनेंट के साथ बैठे, उनसे बातें किए कि भाई हम मतलब कि हमारा प्रोविज़न हम कर रहे हैं, हमने मतलब कि उस टाइम पे हमारे पास खुद जो जमा पूंजी थी वो भी हमने मतलब कि टेनेंट के साथ शेयर किया उनके रेंट देने में, क्योंकि हमने उनका घर तोड़ा था तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मतलब मैं उनको किसी भी हाल में उनके साथ मैं खड़ा रहूँ। तो वो एक पीरियड आप बोल सकते हो, हालांकि वो पीरियड पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था, मेरे लिए भी नहीं अच्छा था, प्लस मार्केट थोड़ा ख़राब हो गया था, कोविड था, लोगों के बैंक बैलेंस ख़त्म हो गए थे, तो फिर से मार्केट को अपग्रेड होने में थोड़ा सा समय लगा, तो हम लोग हिम्मत के साथ खड़े रहे। तो वो एक पीरियड आप बोल सकते हो कि मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा मेरे लिए। सर, हमने अभी संघर्ष की बात की, तो ऐसे कौन से पल थे जो आपके लिए अचीवमेंट से कम नहीं थे, जो आज भी आप याद करते तो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने अचीव किया है? हाँ, अचीवमेंट आप बोल सकते हैं कि जब जब मैंने मतलब कि मेरे फर्स्ट प्रोजेक्ट से लेके और अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं प्रोजेक्ट बनाकर उनको जब डिलीवर करता हूँ वो मेरे लाइफ का बड़ा मोमेंट होता है। मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि जब लोग घर लेने के लिए आते हैं तो मतलब घर एक ड्रीम तो होता ही है, बट उसके लिए वो अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, अपनी जमा पूंजी, गहना, ये वो जो भी कुछ रहता है। तो जब मैं उनको घर डिलीवर करता हूँ तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो होता है। और मैंने नियर अबाउट नाला सुपारा वसई विरार में मैंने 1.5 से 2 हज़ार लोगों को घर प्रोवाइड किया, और मुंबई में भी मतलब कि जो टेनेंट बिल्डिंग्स है उसके अंदर भी मैंने 1.5-2 हज़ार लोगों को घर प्रोवाइड किया। तो वो एक बोल सकते हैं कि मेरे लिए बड़ा मोमेंट रहता था। लेकिन जो सबसे अच्छा मोमेंट था जब मैंने दहीसर में मेरा पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, एंड इट वाज ह्यूज सक्सेस जो था वो, और लोगों ने मुझ पर बहुत विश्वास दिखाया था, और जो लोग मतलब मार्केटिंग एजेंसी भी नहीं कर सकती थी वो हम लोग ने सोली किया था, तो वो भी एक प्रोजेक्ट, वो जो पीरियड था वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। और नवराष्ट्र की तरफ से नव भारत ने मुझे बहुत बार अप्रिसिएट किया, अवार्ड्स भी हमको दिए हैं, मिड डे ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं। तो ये सारी जो अवार्ड्स मुझे मिले थे ये सब इकोनॉमिकल होम्स प्रोवाइड करने के लिए मिला था। तो वो भी बोल सकते हैं कि मतलब वो प्रत्येक जो क्षण था वो मेरे लिए मतलब कि बहुत ही, क्योंकि जब भी आप मेहनत करते हैं और कोई काम करते हैं उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो ऑलवेज वो खुशी की बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षण मेरे लाइफ में आए, बट उससे ज़्यादा बहुत संघर्ष भी रहा, तो दोनों आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे सर अभी आपने बताया कि आपको बहुत से पुरस्कार अवार्ड मिले हैं, नवराष्ट्र में मोटा गरन साठी मुंबई सोडू नका ऐसे आर्टिकल आया था, नवभारत ग्लैम अवार्ड में आपको बुलाया था, बेस्ट आइकॉनिक अवार्ड आपको मिला है, तो ये पूरी सफलता, ये पुरस्कार, इसका श्रेय आप किसे देंगे? डिफिकल्ट, मतलब इसका जो श्रेय है वो मैं तो सबसे पहले हर इंसान को अपने मदर फादर को देना चाहिए। मदर फादर के बाद जो मेरा बैकबोन है ही इज़ माई ब्रदर। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सारे जो सक्सेस है उसके पीछे मतलब मेरे ब्रदर का बहुत बड़ा हाथ है। सर, भविष्य के लिए अभी AVA लाइफ स्पेसेस की क्या योजनाएं हैं? AVA लाइफ स्पेसेस की योजना फिलहाल अभी मेरा एक बूढ़ी वैली में जो हम लोग का प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब आपको मैं बता दूँ कि नियर अबाउट 10 लाख फुट के आसपास का लैंड मतलब कि हमने यहाँ पर एक्वायर किया हुआ है, और फ्यूचर में इसके अंदर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और कुछ ऐसी सुविधाएं जो फ़िलहाल मतलब कि जो जिस एरिया में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर नहीं है, जैसे थिएटर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हॉस्पिटल जैसे यहाँ पर हमारे हमने जो लैंड लिया उसमें कुछ रिजर्व प्लॉट्स हैं जिसके अंदर हम हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को सुविधा के हिसाब से तो बनाएंगे ही, बट वो भी इकोनॉमिकल हो, वहाँ पर भी हम ये ध्यान देंगे कि बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी हो जो कि कम पैसे कम बजट में हो, स्कूल अच्छे हो वो भी कम बजट में हो, क्योंकि यहाँ पर स्कूल आसपास तो बहुत हैं बट बहुत महंगे हैं, इसको एफोर्ड करना मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों के लिए। तो हम तो मतलब कि हम BMC के स्टूडेंट हैं तो हम तो फ्री में स्टडी किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम फ्री में ना हो तो कम बजट में तो हो कि लोग स्कूल जाने से डरे ना। मतलब आज सबसे बड़ा फोबिया हो गया है कि बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो उसको स्कूल में हर मदर फादर चाहते हैं कि बहुत बेस्ट स्कूल में डाला जाए, बट बेस्ट स्कूल की फीसेज इतनी हाई हैं कि लोग फिर भी मतलब कोशिश करते हैं, कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, बट अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्कूल भी अच्छा हो, बजट कम हो, ताकि आप अच्छे घर में भी रहो और अच्छे से आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और ये करो। तो ये एक मेरी प्लानिंग है। मैं बोरीवली में जो एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहा हूँ जो अभी अपकमिंग है, अभी उसका रेरा नंबर नहीं है इसलिए उसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकता,
तो वो जो प्रोजेक्ट है वो आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर आसपास में से ओबेरॉय की बिल्डिंग्स है, चांडक है, रिवाली है, मैं उनके कंपटीशन में नहीं, बट जो सारी सुविधाएं मतलब कि उन बिल्डिंगों में है, मतलब वो 40 माले की बिल्डिंग है, 60 माले की बिल्डिंग है, तो मैं भी 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग ला रहा हूँ, 5 लेवल पोडियम्स है और एक पोडियम के ऊपर मतलब कि सारी लग्जरी चीज़ें मैं उस पर दे रहा हूँ, 40,000 स्क्वायर फीट में मेरा एमिनिटीज़ आ रहा है, बट वो भी मैं सेमी लग्जरी और इकोनॉमिकल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई फ्लैट 1.5 करोड़ में मिल रहा है तो मैं सोचूंगा कि वो 1 करोड़ 20 लाख में बैठे, ताकि जो लोग 1.5 करोड़ में नहीं ले पा रहे तो वहाँ पे ले, और वो नेशनल पार्क के एकदम करीब है तो नेचर वाइज बहुत अच्छा है, मतलब तो ये कोशिश है अभी फिलहाल। तो क्या कहेंगे, अभी तक कितने फैमिलीज़ के सपने आपने पूरे किए घरों के, कितने फैमिलीज़ हैं जिन्होंने लोगों ने रूम्स लिए हैं? ठीक है, मैंने उनके सपने नहीं पूरे किए, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने हमको पे किया, हमको हिम्मत दी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में उतार चढ़ाव बहुत आता है, आप कभी कभी टाइमली आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, कभी कुछ डिपार्टमेंट की वजह से चीज़ें रुक जाती हैं, कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की वजह से चीज़ें रुक जाती हैं, तो ऐसे में लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एक्चुअली, तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मतलब मुझे ऐसे लोग मिले, क्योंकि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ यहाँ पर हर बंदे को मैं जानता हूँ पर्सनली, तो यह सारे का प्रोजेक्ट करते हुए कभी उन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज नहीं किया, मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँगा तो मैं नियर अबाउट 2,000-3,000 के आसपास लोगों को मैंने घर प्रोवाइड किए हैं। मैं नव भारत और नवराष्ट्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि जब से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, मेरा एसोसिएशन तो नवभारत के साथ बहुत पुराना था, बट जब मैंने गुरुद्वारा का प्रोजेक्ट शुरू किया तो मेरा एसोसिएशन नवराष्ट्र के साथ भी हुआ, और मैं अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि नवभारत और नवराष्ट्र ऐसे ही फले फूले और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। जो अगर आप भी घर का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि आलीशान घर में रहे सभी सुविधा के साथ, तो AVA लाइफ स्पेस साइट को विजिट करिए, आइए मिलिए और देखते रहिए नवभारत मुंबई से बातों बातों में।